ये सेना को धन्यवाद जो पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता उन्होंने दिखाई, और ओडिशा के लोगों की जो मानवीय छवि देखने को कल मिली वो इस देश की मानवीय छवि है। रक्तदान करने कतारों में लोग खड़े थे, नौजवान लोग खड़े थे। इससे यह पता चलता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम लोग कितने सजग, कितने संवेदनशील लोग हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार उतनी संवेदनशील नहीं दिखती। प्रधानमंत्री जी, आपके रहते भारत की किस्मत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप की किस्मत के बारे में दो शब्द जरूर कहूंगा। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से बचाता है, वो कवच आपको किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी, सार्वजनिक जांच से बचाता है। वो कवच देश की सीमाओं को नहीं बचाता, वो कवच ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे लोगों को नहीं बचाता, वो कवच रेल यात्रियों को नहीं बचाता, वो कवच सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि को बचाता है। ऐसा कवच किसी सरकार को, किसी प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिला। काश ये कवच रेल यात्रियों को भी मिलता। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर। इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है, ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहां से कोई इस्तीफा आएगा? हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे। वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है वो, या वो जो कल सुबह से अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हों, टोपी पहन के कैमरा लेकर घूम रहे हों, किसका इस्तीफा मांगे हम? प्रधानमंत्री, हम आप पर छोड़ते हैं, आप किसका इस्तीफा लेना चाहते हो? लेकिन ये देश उम्मीद करता है कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, आप भी अपने रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे। सीएजी रिपोर्ट आपके सामने है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मेरे साथी, मेरे सहयोगी शक्ति सिंह गोहिल साहब के पास है, इस पर वो चर्चा करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट बड़े स्पष्ट तौर पे बताती है कि 2017 से 21 के बीच में डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से नीचे उतर जाने की वजह से 1127 हादसे हुए। 1127 डिरेलमेंट्स बिटवीन द ईयर 2017 एंड 2021। बाय द वे, ये सीएजी रिपोर्ट वही है जिसको आधार बनाकर आप लोग भी किसी जमाने में प्राइम टाइम डिबेट्स करते थे और यूपीए की सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे मांगते थे। तब वो कवच नहीं होता था जो आज प्रधानमंत्री को कवच मिला हुआ है, आप सबकी तरफ से भी मिला हुआ है। मोदी सरकार का जो ट्रैक रिन्यूअल का बजट है, ये सीएजी रिपोर्ट भी हम आपको प्रेस रिलीज के मार्फत सर्कुलेट करेंगे, शायद आपके टेबलों पर आपके संपादकों ने नहीं भेजी होगी या संपादकों की टेबलों पर उनके मालिकों ने नहीं भेजी होगी, मैं आपको जरूर भेजूंगा। ट्रैक रिन्यूअल का बजट हर साल कम होता जा रहा है और जो बजट है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हम हाई स्पीड ट्रेन के खिलाफ नहीं है, लाइए, लेकिन 10-15 चमकती धमकती ट्रेन को दिखाकर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा खोखला करते चले जाएंगे, यह मंजूर नहीं। सवाल आपकी विजन, आपकी सोच, आपकी नियत पर है। रेल मंत्री के ट्विटर रिप्लाईज अगर आप देखें तो जो आम डब्बे होते हैं, जनरल डब्बे होते हैं, बोगियां होती है, उनकी स्थिति आपने देखी होगी, यही कोरोमंडल। लोगों को अपनी सेवा भाव के साथ इसमें जुड़ा।